लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साउशन ब्लैक ही उसके जगह पर रखते हुए कहता है कि ब्लैक चलो अब लुएनफी से मिलने का टाइम आ चुका है, इसलिए अब बिना कोई देरी किए हमें लुएनफी को ढूंढना होगा, जिस पर ब्लैक भी लेट्स गो कहता है। और अब एक पोर्टल का यूज करके साउशन एक दूसरे प्लेस में आ जाता है, जिसके बाद साउशन अपने पास में से एक मैजिक वेपन को निकालते हुए कहता है कि वाकई में ये टेलीपोर्टेशन मैजिक टूल बिल्कुल पहले की तरह ही काम कर रही है, मैंने इसकी हेल्प से अपने प्रीवियस लाइफ में भी बहुत सारे रियल्स से ट्रैवल किया था। तब ब्लैक ही कहता है साउशन अगर ये मैजिक टूल इतना ही बेस्ट है तो क्यों ना हम इसकी हेल्प से सीधे लुएनफी के पास ही टेलीपोर्ट हो जाए, जिस पर साउशन कहता है कि नहीं ये ऐसे काम नहीं करता है, इस मैजिक टूल की हेल्प से हम सिर्फ दूसरे रियल्म में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी तब जब हमें पता कि आखिर हमें टेलीपोर्ट कहाँ पे होना है। इसके अलावा इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को यूज करने में बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे एक दिन में ज्यादा से ज्यादा दो बार ही यूज कर सकते हैं। तब ब्लैक ही पूछता है साउशन आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर तुम इसी प्लेस में क्यों आए, जिस पर साउशन कहता है कि ये वही मिस्टीरियस प्लेस है जो इतने सालों बाद फिर से स्वर्ड रियल्म में अपेयर हुआ है, और यहाँ पे आने का मेन रीजन ये है कि मैं इस मिस्टीरियस रियल्म के एम्परर को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अभी के लिए लुएनफी और आउटर रियल्म को साइड में रखा जाए तो फिर मेरे लिए खतरा ये एम्परर ही बन सकता है। इसके अलावा अपने 12 जनरलों से मुझे मारने की कोशिश तो इसने की ही है। तब ब्लैक ही कहता है कि चलो फिर इस एम्परर की बैंड बजाते हैं, जिस पर साउशन कहता है कि बिल्कुल मैं पहले ये सब निपटा के रखना चाहता हूँ, वरना जब मैं लुएनफी से फाइट करूंगा तब हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम इस एम्परर और इस सुप्रीम को देखते हैं, जहाँ पर ये सुप्रीम इस एम्परर से कहता है कि माय लॉर्ड हमारी तरफ ही आ रहा है। तब ये एम्परर बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर वो आ ही रहा है तो फिर उसे आने दो, मैं अभी अब वो प्रसन्न नहीं हूँ जो पहले उससे लुएनफी से डरा करता था। और फिर ये एम्परर आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अब जब तुम आ ही गए हो तो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो होगा उसे इस पूरे नौ रियल्म की किस्मत तय होगी। जिस पर ये सुप्रीम अभी एम्परर से परमिशन मांग के यहाँ से चला जाता है और फिर एक दूसरे प्लेस में आके बहुत ही टेंशन में कुछ सोचने लगता है, जिस पर तभी इसके पीछे एक और सुप्रीम अपेयर होता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर तुरंत ही सुप्रीम के आगे झुकते हुए इसे ग्रीट करता है। तब ये सुप्रीम बहुत ही गुस्से में कहता है कि दाऊजन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसअपॉइंट करने की, जिस पर दाऊजन अब सीधे जमीन में लेट के माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर सेंगसी शांत हो जाइए, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तब मास्टर सेंगसी कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करने का काम मैंने ऑलरेडी डार्क को सौंप दिया है, तो अब तुम मुझे बस एक रीजन दो जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर दाऊजन कहता है कि मास्टर सेंगसी प्लान बिल्कुल आपके हिसाब से ही चल रहा था, मगर अचानक से एक पावरफुल पर्सन के इंटरफेयर करने की वजह से ये पूरा प्लान ही चौपट हो गया। तब मास्टर सेंगसी कहता है कि मैंने तुम्हें बस इतना काम दिया था कि तुम्हें किसी भी तरह से आउटर रियल्म और इस प्लेस के बीच में एक पोर्टल खोलना है, क्योंकि ये प्लेस नौ रियल्म से थोड़ी डिफरेंट है, मगर इतने दिन बीतने के बावजूद भी तुम इतने छोटे से काम को भी नहीं कर पाए। जिस पर दाऊजन कहता है कि मास्टर सेंगसी प्लीज आप मुझे एक चांस और दीजिए, मैं पक्का आपका ये काम कर दूंगा, क्योंकि उस एम्परर को अब मुझ पे पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है। तब मास्टर सेंगसी यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक मंथ का टाइम और दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, और ये तो तुम जानते हो कि मैं फेलियर हुए लोगों को कितनी खौफनाक मौत देता हूँ। जिस पर दाऊजन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं पोर्टल खोल दूंगा। तब मास्टर सेंगसी यहाँ से चले जाते हैं, जिस पर दाऊजन अब पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अब जल्दी से आओ इस एम्परर को खत्म कर दो, ताकि मैं भी मौका देख के अपने मिशन को कम्प्लीट कर सकूँ। और फिर दाऊजन कहता है कि जब आउटर रियल्म के लोग पूरे नौ रियल्म पे राज करेंगे तब ये पूरा का पूरा मिस्टीरियस प्लेस मेरा हो जाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें आउटर रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक केव में बहुत सारे टेरिफाइंग सुप्रीम बैठे हुए थे। तब यहाँ पे कुछ ही देर में मास्टर सेंगसी भी आ जाते हैं, जो इन लोगों के सामने किसी कीड़े की तरह लग रहे थे। और अब ये सुप्रीम कहता है कि सेंगसी बताओ आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है। तब मास्टर सेंगसी अब थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि लॉर्ड हमें एक महीना और लगेगा, जिस पर ये सुप्रीम कहते हैं कि क्या कहा एक महीना, मगर हमारे पास उतना टाइम कहाँ है। तब ये दूसरा वाला सुप्रीम कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यंग मास्टर भी सालों पहले नौ रियल्म में गए जहाँ पर वो लुएनफी नाम के किसी पर्सन से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि लुएनफी फला ये कौन है। तब ये सुप्रीम कहता है कि लुएनफी पूरे नौ रियल्म का सबसे पावरफुल पर्सन है, जिसने न सिर्फ हमारे यंग मास्टर को बुरी तरीके से इंजर्ड किया बल्कि हमारे द्वारा भेजे गए किंग्स को भी दौड़ा दौड़ा के मारा था। जिस पर ये थर्ड सुप्रीम कहता है कि लुएनफी हमारे लेवल का पावरफुल बींग है, इसीलिए उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तब ये सुप्रीम कहता है कि हाँ इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब नौ रियल्म में खुद में ही जाके इस लुएनफी नाम के कीड़े को मसल के नौ रियल्म का गेट ओपन कर दूंगा। जिसे सुनकर ये सुप्रीम कहता है कि होंग जाओ अगर तुम पर्सनली नौ रियल्म में गए तो फिर वहाँ के रूल के हिसाब से तुम बस एक ही साल जिंदा बच पाओगे। जिस पर होंग जाओ कहता है कि अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं अगर वहाँ पे जाके नौ रियल्म के गेट को खोलने में सक्सेसफुल रहा तो फिर हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे संभाल लेना, मैं नौ रियल्म में जा रहा हूँ। तब सारे सुप्रीम भी ओके कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम साउशन और ब्लैकी को देखते हैं, जो किसी पावरफुल ऑरा को सेंस करके बहुत ही तेजी से भागते हुए उनकी ओर ही जा रहे थे। जिस पर अब ब्लैकी पूछता है कि साउशन तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकता है। तब साउशन कहता है कि ये लुएनफी तो नहीं है, मैं उसे ऑरा से ही नहीं बल्कि रग रग से वाकिफ हूँ। जिस पर ब्लैकी कहता है कि इसका मतलब क्या ये वही एम्परर है। तब साउशन कहता है कि नहीं ये एम्परर भी नहीं है, क्योंकि ये ऑरा बहुत ही ज्यादा डार्क है, जो मेरे ख्याल से इस रियल्म का तो नहीं है, लेकिन
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो इस तरह के पावर से मेरा सामना पहले भी हो चुका है। और इतना कहकर साओशन और ब्लैकी बहुत ही तेजी से इस ऑरा को फील करते हुए इस प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब ये लोग देखते हैं कि इनके सामने किसी टाइप का पोर्टल खुल रहा है। और इसी पोर्टल से वो सुप्रीम, जिसका नाम होंग जाओ था, वो अपने रियल फॉर्म में आउटर रियलम से इस रियलम में आ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।